सुहाना मैं खतीब अहलसन हजरत मौलाना मोहम्मद बाखर अली सिद्दीकी कादरी चिश्ती साहब फारिग तहसील शाहसिता से गुजारिश करता हूँ कि वो इस नौरानी जलसे से खिताब फरमा कर हम सब के दिलों को नूर से मुनव्वर और मुजज्जा कर। जब उन्हें देखो
तो तुम्हारे दिल अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो। और ये बात आप हम पर सब पर आया है क्योंकि हम बहरूम के सिलसिले से वाबस्ता हैं। बहरूम भी अपने वक्त के वलिए काबिल थे। बहरूम किसी महफिल या मजलिस में जाने से पहले, आपका तशरीफ लाने से पहले अहले मजलिस के दिल जिक्र करने लगते थे। ये सिफात में से एक सिफत बहरूम की है और बहरूम वलिए काबिल है। हाजरीन मोहतरम, अब पता चला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, तो फिर ये तौहीद और रिसालत के मिशन को जारी और सारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह के सिलसिले को जारी और सारी रखा। औलिया इकराम पहली उम्मतों में भी हुए। एक दो मौक़ों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिम्मन काना क़ब्लकुम, जो तुमसे पहले वाले हुए हैं उनमें आखाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान किया कि एक औरत अपने शीर खार बच्चे को दूध पिला रही थी, दरवाजे में बैठी दूध पिला रही थी, उसके सामने से एक घोड़ा सवार नौजवान गुजरा। ये औरत देखकर कहने लगी, या अल्लाह, मेरे इस बेटे को इस नौजवान के जैसा खूबसूरत और जवान मर्द बनाना। वो शीर खार बच्चा बोल उठा, या अल्लाह, मुझको इस जैसा ना बनाना, क्योंकि ये जो भी है बताया उसने। तो इससे ये मालूम हुआ कि शीर खारी में भी अल्लाह के बंदे ऐसे हुए हैं जो गुफ्तगू की है। ये तो एक बच्चे का जिक्र है जो आम बच्चे का है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी गहवारे में बात की है। तो मालूम ये हुआ कि नबूवत और रिसालत के सिलसिले को जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने औलिया इकराम का सिलसिला सुबह क़यामत तक जारी रखा है। लेकिन एक मिसाल बता के मैं फिर पीराने पीर की तरफ आ जाता हूँ। जिस तरह से सब अंबिया हुए हैं, बेशक वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जो मुकाम और मर्तबा आपके मेरे आका को अल्लाह ने अता किया है, वो किसी को वैसा मुकाम अता नहीं किया है। ये इनफरादी असमत है आपके मेरे आका की कि अल्लाह ताला ने आपके मेरे आका को खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया। आपके मेरे आका के अलावा कोई और नबी खातिमुल अंबिया और मुरसलीन नहीं है, और अल्लाह ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता किया। अब आप पिछले नबियों में देखेंगे तो कोई नबी इस मुकाम को पा नहीं सका। तो ये मालूम हुआ कि ये इनफरादी अजमत और इनफरादी खसूसियत है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से अल्लाह ने वलियों को करामतें अता की, लेकिन जो करामतें आपके मेरे पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता की है, ऐसी करामतें किसी और वली को अता नहीं की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर के वलियों से लेकर सुबह क़यामत तक जो मोमिन होगा उस दौर के वली तक, इन सब को अगर मिला दिया जाए तो फिर पीराने पीर का इम्तियाज और पीराने पीर की खसूसियत और शेख अब्दुल खादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम और मर्तबा इन तमाम औलिया में वैसे ही नुमाया है जैसा तमाम नबियों में आपके मेरे आका। इसीलिए सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल आरिफीन और सुल्तानुल मुतवस्सिलीन हेकले सफदानी महबूबे सुभानी खिंदीले नूरानी और मजहरे शरीयत
بحر طریقت حضرت شیخ عبدالخادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وجودی علی وجودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وجود وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ میرا وجود وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تھیوری دی ہے تو اس کا پریکٹیکل آپ کے میرے شیخ نے بتایا ہے. ایک موقع تھا مدینہ منورہ میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ جو ایمان لائے تھے، ابھی نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے، تو ان کو ایک قصبے کے موقع پر ہزار اونٹ مال سے بھرے عطا کیے. مگر مدینے میں یہ بات اٹھی کہ ابھی ہماری تلواروں کا خون بھی نہیں سوکھا ہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو اتنا عطا کر دیا. جب یہ خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آقا نے تمام انصار مدینہ کو ایک چمڑے کے خیمے کے اندر جمع کر دیا. کر کے جب آقا نے پوچھا کہ آئے انصار مدینہ، تم نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہماری تلواریں خون سے سوکھی بھی نہیں ہیں اور میں نے ان کو ہزار اونٹ مال بھرے عطا کیا ہے. سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تاکہ تعریف خلوق ہو جائے. تو انصار مدینہ کیا بول پڑے؟ انصار مدینہ بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بات نہیں کی ہے آقا، آقا یہ بات ان لوگوں نے کہی ہے جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے. تو پھر اس موقع پہ آقا نے فرمایا، اے انصار مدینہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ جب اپنے گھروں کو جائیں تو مال اور اونٹ لے کر جائیں، اور جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اللہ اس کے رسول کو لے کے جائیں؟ یہ بات تو ہم سن لیے. اور جب انصار مدینہ نے سنا تو بیک وقت جواب دیے کہ یا رسول اللہ، ہم اس بات سے راضی ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں لوٹیں تو ہم اللہ اس کے رسول کو لے کر لوٹیں. یہ تھیوری تھی. پھر اس کا پریکٹیکل، بے شک صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا بکر ما ترکت لی اہلی کا، کہ اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو عرض گزار ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور جو کچھ مال ہے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا. یہی عقیدہ تھا. مگر اس کا پریکٹیکل جب پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں لوگوں نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے اس دعوت کو قبول کیا. پھر ایک شخص نے دی، پھر ایک اور نے، یہاں تک کہ 70 آپ کے چاہنے والے 70 مریدین نے آپ کو دعوت دی. اور وقت ایک ہی تھا، دعوت کا دن ایک ہی تھا. اور پھر جب دوسرا دن آیا، تمام مریدین جب حاضر ہوئے تو ایک دوسرے کو مارے خوشی سے کہنے لگے کہ گزری ہوئی رات میرے پاس اپنے شیخ نے دعوت تناول فرمائی ہے، دعوت قبول کی ہے. دوسرے نے کہا میرے پاس بھی، تیسرے نے کہا میرے پاس بھی، 70 مریدوں نے کہا کہ سیم ڈے سیم ٹائم ہمارے پاس آپ تشریف لائے تھے. اس کے بعد پیرانے پیر نے فرمایا کہ اس جھاڑ کے پتوں کی طرف دیکھو. جب ان جھاڑ کے پتوں کی طرف دیکھا گیا، کیونکہ جو دیکھے انہوں نے مان لیا، جس نے دیکھا اس نے پیرانے پیر ہی کو دیکھا تھا. نہ صرف دیکھا بلکہ ساتھ کھانا بھی کھایا، ساتھ کچھ خدمت بھی کی، تو
वो तो यकीन किया कि हाँ मेरे पास आए थे, मेरे पास आए थे, मेरे पास आए थे। मगर जब किरण पीर ने फरमाया कि उस झाड़ के पत्तों की तरफ देखो, जब निगाह उठाई गई तो हर पत्ते पर सूरत किरण पीर नजर आई। ये बात पहली बात सहाबा के दौर से थी, फिर बाद वाली बात किरण पीर के दौर से थी, फिर आज के लिए क्या है? आज के लिए आसान है, जमाना और साइंस जितनी तरक्की कर रहा है उतनी करामतें और मौजज़ा आसानी से समझ में आ रहे हैं। जूम क्लाउड मीटिंग, लास्ट लॉकडाउन में बच्चे जूम क्लाउड मीटिंग अटेंड किए, बच्चे टीचर एक है, हर बच्चा उस टीचर को अपने घर में देखा, न सिर्फ घर में देखा, टीचर जब एक्सप्लेन किए तो अगर कोई डाउट रहा तो वो बच्चे ने डाउट भी पूछा और टीचर ने जवाब भी दिया। तो आज एक डिवाइस हमारे हाथ में ऐसा आ गया, तो किरानी की उस करामत को उस जमाने में जिन्होंने कबूल किया उनकी वो खुशनसीबी थी, उसके बाद वालों ने जो कबूल किया उनकी भी खुशनसीबी थी। तो किरानी पीर का वजूद मज़हर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, इसीलिए जितनी करामतें तमाम औलिया अल्लाह को अता की गई उनसे बेहतर और आला करामतें पिराने पीर को अल्लाह जल्ला शानहु ने अता की थी। इससे एक इम्तियाज था कि पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मामला था कि आपके दुनिया में तशरीफ लाने से पहले इत्तला कर दी गई कि एक मर्द मुजाहिद पैदा होगा और वो जब बगदाद में आएगा तो उसका बोलबाला होगा। सात अब्दाल के नाम आपसे पहले जब गिनाए गए तो उसमें इमाम अहमद इब्ने हम्बल भी थे, उन अब्दाल के नामों में बिशरे हाबी भी थे और भी थे, साथ के साथ एक नाम लिया गया कि उनमें एक और अब्दुल खादर होगा जो जिलानी जिलान से आएगा। पूछने वालों ने जब सिफत पूछी तो बताया गया, हाजरीन मोहतरम चूंकि 10 बज रहे हैं आफ्ताब खिताबत को भी हमको सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को एक और बात के जरिए खत्म करते हुए, किरण पीर ने फरमाया कि मैं दुनिया को या कायनात को अपनी हथेली में एक राई के दाने के बराबर देखता हूँ। अब इसको कैसा समझेगा? फिर वही मोबाइल की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज जिंदगी के बहुत सारे मामला मोबाइल से रिलेटेड हो गए हैं, हम मोबाइल पे डिपेंड हो गए हैं। तो फिर मोबाइल में पूछते हैं तो मोबाइल गूगल अर्थ बताएगा, ग्लोब बताएगा, सारी दुनिया का ग्लोब मोबाइल में आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो अगर इधर जाएंगे तो साउथ एशिया आएगा, इधर आएंगे तो अमेरिकन स्टेट्स आएंगे, मिडिल में देखेंगे तो मिडिल ईस्ट बताएगा, अगर आप साउथ एशिया की तरफ आएंगे और जूम करेंगे तो फिर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना वगैरह एंड लाइट होगा, हाई लाइट होगा, और करेंगे तो इंडिया दिखेगा, फिर और करेंगे तो तेलंगाना, फिर और करेंगे तो हैदराबाद, और करेंगे तो इस मुकाम को भी देख सकते हैं। किरण पीर की वो जो करामत आपने बयान की आज हमारे लिए आसानी से समझ में आ जाती है। और एक ऐलान में आप इजाजत दे तो कर देंगे, 20 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला एक रोज़ा दर्स बशायतुल खैरात इंशाअल्लाह मैं दूंगा, जिसकी सनद मेरे से मक्के के सैयद अलवी मालिकी साहब से होते हुए किरण पीर तक है। और इसी सनद की दूसरी रिवायत में मक्के मुकर्रमा के अलवी मालिकी साहब से आला हजरत के खलीफा हजरत जियाउद्दीन मदनी खिल्ला साहब जो मदीने के खुतुब कहलाते हैं उनसे आला हजरत से किरण पीर तक है। तो इंशाअल्लाह इतवार के दिन रात 8:30 बजे से 10:30 बजे तक वो दर्स होगा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सनद की प्रिंट आ गई है, उस पर जो सामीन रहेंगे
जो सामईन रहेंगे उनके नाम लिखकर उनको दी जाएगी, और ये दर्स मेरे मकान पर होगा अमरगढ़ के तालीम में, और ये दर्स ऑनलाइन भी रहेगा। जो लोग आना चाहते हैं तशरीफ लाइए, और जो ऑनलाइन सुनना चाहेंगे उनके लिए ऑनलाइन भी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह आप अपने फजल करम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और पीराने पीर का मुरीद बनाया है, तो मौला इसकी लाज दुनिया और आखिरत में रख ले, हमको दुनिया में भी फैज़ अता फरमा, आखिरत में भी फैज़ अता फरमा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।